अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए हम उसमें कैसे दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम डेव सी प्लस प्लस में आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने डेव सी प्लस प्लस को ऑन किया, क्लिक किया और इसमें से आप देखें, इसमें से ये न्यू डॉक्यूमेंट्स को आप ओपन कर लें। तो इसमें हम ये प्रोग्राम बनाएंगे कि नंबर एक, तो इसमें थोड़ा सा मैं रीडिंग लिखता हूँ, हाउ टू ऐड ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डीएवीआईडी ऑफ टू नंबर्स इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हम इसमें यहां बनाते हैं, क्या करेंगे, हैश इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड के साथ ही क्या करेंगे, stdio, std होता है मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और यहाँ हम हेडर फाइल लगाएंगे। और इसके बाद फिर इसके बाद हम जो है फिर इंक्लूड कराएंगे, INCLUDE। तो क्या इंक्लूड करेंगे, कंसोल आयो और इसके साथ हेडर फाइल। इसके बाद हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे, मेन। तो इसमें जो है आगे हम कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसी में ये जो हमारा है बॉडी है मेन फंक्शंस की, इसी में हमने तमाम जो है लिखना है, तो इसी में हमारा आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिट लेते हैं। सपोज ये जिस तरह तीन फंक्शन है, इनिट है, फ्लोट है और चार है, तो हम ये कोई भी, यानी कि आपने जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड करना हो तो यहाँ इनिट यूज करेंगे। इनिट में क्या है, इसमें लिखेंगे हम सम, सम कौन क्या करे, एक्स को करे और वाई को करे। तो हमने दो नंबर यूज करने हैं जिसमें हम सबसे पहले सम करेंगे, तो एक्स और वाई को। तो इसमें लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में कॉलन, प्लीज इंटर द वैल्यू एक्स, लिखेंगे हम प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये, और इसके बाद जो है इसको हम सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट क्या कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे स्कैन एफ, तो स्कैन एफ के बाद ये लगाएंगे हम इन्वर्टेड कामा। तो इसमें लिखेंगे फर्ज किया ये, यानी कि इन इन के साथ जो है ये परसेंटेज और डी यूज होती है किसी भी वैल्यू को करने के लिए। इसके बाद जो है कॉमा, तो एंड, तो किसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, एक्स की, तो यहाँ हमने एक्स लिख दिया। तो इसके बाद इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा के साथ, यानी कि सेमी कॉलन के साथ इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने एक लिख लिया कि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हम दोबारा इसको लिखने की बजाय हम इसी को कॉपी कर लेंगे और इसमें हम अमेंडमेंट कर देंगे ताकि इसमें सी की वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू भी पुट की जा सकती है। अब यहाँ हमने लिखा है प्लीज इंटर दी वैल्यू ऑफ द एक्स, इसमें हम यहाँ लिख देते हैं वाई, प्लीज इंटर दी वैल्यू ऑफ द वाई, और यहाँ जो है एक्स की बजाय हम यहाँ लिख देंगे वाई। तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने लिखना है सम, सम क्या करे, इक्वल टू एक्स प्लस वाई और सेमी कॉलन। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या करे, सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज
इसमें लिखा है सम ऑफ द एक्स एंड वाई, सम ऑफ द एक्स एंड वाई क्या होगा वो हम यहां लिखेंगे। इसके बाद जो है परसेंटेज डी, और यहां से जो है कॉमा डाल के यहां हम लिख देंगे सम। तो इसके बाद जो है सेमी कॉलम के साथ इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहां गेट करेक्टर लिख दें सी एच एन टू, और यहां भी सेमी कॉलम से इसको टर्मिनेट कर दें। तो ये हमारा एक प्रोग्राम जो है प्लस का तैयार होगा। अब हमने इसी को देखना है, इसको क्या करेंगे हम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसका नाम रखेंगे और फिर इसको रन करके आपको दिखाएंगे इसकी वैल्यू डालकर। तो देखते हैं हम कंपाइल किया तो इसका नाम लिख देते हैं सी प्रोग्राम PROG। तो इसको सेव कर दिया हमने, सेव किया, आप देख रहे हैं कि इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने से इसका कोई एरर नहीं आया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके रन करते हैं। रन लिखे स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, यहां लिखा हुआ है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज मैं एक्स की वैल्यू 20 ऐड करता हूं और फिर आगे लिखा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो वो मैं अब सपोज कर देता हूं 50। तो इन दोनों को ये आप देख रहे हैं सम ऑफ द टू यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू आ रही है 70। तो यही हमारा था, हमने दो को प्लस किया 20 और 50 को, तो हमारा जो है आंसर आ गया 70। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगला है, हम इसी में अमेंडमेंट करके इसको आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, मीन माइनस करके दिखाएंगे। यहां हमने सम लिखा है, इसमें हम लिख देंगे सब डायरेक्ट। तो इसी में अमेंड करेंगे प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, वही होगा, और वाई भी यहां हम यहां सम की जगह सब्ट्रैक्ट लिख देंगे TRACT, तो वही रहेगा, यहां भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां जो है प्लस जो है इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा माइनस हो गया। तो यहां भी जो है SUBTRACT सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम दोबारा एक दफा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ वाई, सब्ट्रैक्ट SUBTRACT, एक्स माइनस वाई और सब्ट्रैक्ट। तो ठीक है, हम इसको आप कंपाइल करके देखते हैं। इसके बाद जो है तो स्टूडेंट्स इसने देखा कंपाइलिंग की और इसमें से कोई एरर नहीं निकला, तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। रन किया, अब हम इंटर इसकी वैल्यू सपोज इंटर करते हैं 200, और 200 ऐड की एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू सपोज मैं इंटर कर देता हूं 120 है, 200 में से निकलेगा तो 80 जवाब आएगा। अब हम देखें, ये देखें सब्ट्रैक्ट एक्स एंड वाई, तो इसकी वैल्यू आ गई 80। तो ये भी हमने साबित किया कि इसको हमने माइनस करके दिखा दिया। तो अगला हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करने। तो यहां फिर हम सब्ट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे MULTIPLY। तो सिंपल हम यहां भी सब्ट्रैक्ट की जगह जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम आपको यहां जो है माइनस की जगह ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और यहां डियर स्टूडेंट्स जो है यहां जो है हम यहां मल्टीप्लाई लिख देंगे ताकि MULTIPLY। अच्छा, ये इधर भी है मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स या एक्स एंड वाई। तो हमारा यानी कि ये इसका अब ये फॉर्मूला लिखा गया, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कंपाइल करते हैं, कोई गलती तो नहीं आई, कोई गलती नहीं है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके रन करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अब हम अपना आंसर लेंगे। सपोज हमारा
पहला जो है 20 है, दूसरा जो है 30 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 600 आंसर आ गया। तो ये भी हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन का कामयाब हुआ। तो अब हम इसको क्लोज करके दूसरा करते हैं, जो लास्ट वाला क्या है डिवाइड। तो यहां जो है मल्टीप्लीकेशन की जगह हम डिवाइड करेंगे डी आई वी आई डी ई, तो बाकी वैल्यू वही रहेंगे। यहां हम जो है डिवाइड लिख देंगे डी आई वी आई डी ई, और यहां जो है साइन जो चेंज करके ये डिवाइड वाला कर देंगे और हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां जो है डिवाइड लिख देंगे डी आई वी आई डी ई। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल किया और इसने कोई एरर नहीं दिया। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, रन करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमने पहले हमारे पास वैल्यू है 600, तो दूसरी है हमारे पास सपोज 40, तो हम इसको 50 पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको ये अब देखें डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों को डिवाइड किया तो 12 इसका आंसर आ गया। तो ये अब स्टूडेंट्स अब हमने इसको ये आपको एक ही जो है वीडियो में आपको एडिशन यानी सम करने टू नंबर्स बताए और सब ट्रैक्ट मीन माइनस करने बताई और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन बताई उसकी और इसकी डिवीजन बताई, जो कि ऑल जो हमारे जो अपना प्रोग्राम थे सक्सेसफुली रन हुए। तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।